दहेज के लिए विवाहिता को नींद की दवा खिला, सिरिन से खून निकालकर फेंकते थे ससुराली। यूपी के कौशाम्बी में दहेज लोभियों का मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। मजनपुर कोतवाली के नोगीरा गांव में दहेज में चार पहिया गाड़ी न मिलने से खफा ससुराली जनों ने विवाहिता को नींद की दवा खिलाकर सिरिन से खून निकालकर प्रताड़ित करते थे। विवाहिता ने कोतवाली आकर अपनी दर्द भरी दास्ता पुलिस को सुनाई तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। इतना ही नहीं, विवाहिता ने शरीर पर इंजेक्शन के निशान भी दिखाए। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थाना मंजनपुर के निजामपुर नौगीरा के एक युवती ने दहेज उत्पीड़न और शारीरिक यातना का आरोप लगाया है। इस प्रकरण में अपराध पंजीकृत करा लिया गया है और मेडिकल भी करा लिया गया है। मेडिकल के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर जो भी निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।